एनआरसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली बनाम बाहरी पर छिड़ी बहस अभी थमी भी नहीं थी कि सीएम ने एक और बयान दे दिया है जिस पर विवाद छिड़ गया। अपने ताज़ा बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिहार जैसे राज्यों से लोग 500 रुपये का टिकट लेकर दिल्ली आ जा रहे हैं और 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। इनके इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को शहर छोड़ना पड़ेगा। चलिए आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाते हैं। आपको दवाइयां मिलती हैं, पहले दवाइयां मिला नहीं करती थी, अब आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं वो खिड़की पे दवाइयां मिलती हैं। मैं मानता हूं लाइनें बड़ी लंबी लंबी हैं, उसके बहुत बड़े कारण हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली में बाहर से भी बहुत लोग अब आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। हमने एक बॉर्डर का हॉस्पिटल है, उसका हमने सर्वे कराया था, 80% पेशेंट वहां दिल्ली के बाहर के थे। अब अगर दिल्ली दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो जितने अस्पताल बन गए, इतने अस्पताल बहुत है दिल्ली के लोगों का इलाज करने के लिए। और अगर दिल्ली दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा किसी अस्पताल में आप घुसो और अपना इलाज करा के वापस आ सकते हो। लेकिन इतनी लंबी लाइनें इसलिए क्योंकि पूरे देश में अब जिस किस्म की व्यवस्था अपनी दिल्ली में है, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो अब दिल्ली के अंदर हो गई है। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है, दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी, तो जरूरत है कि सारे देश के अंदर व्यवस्था सुधरे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।